नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक तरफ जहां पूरे देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन द्वारा मध्यम वर्गीय घरों की रसोई में प्याज की कमी को पूरा करने के लिए एक अच्छी पहल की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें, सर्किट हाउस में शहर के लोगों को 64 रुपए प्रति किलो की कीमत से प्याज बेची जा रही है, जिसका चलते सर्किट हाउस में प्याज के खरीदारों की भीड़ लग गई है। तो वहीं सर्किट हाउस के इंचार्ज उमाशंकर वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा मिस्र से बेहद उम्दा क्वालिटी की 200 क्विंटल प्याज का आयात किया गया। इस दौरान प्रति व्यक्ति को 2 से 5 किलो तक प्याज सस्ती दरों पर उपलब्ध कराई गई है। ये प्याज वितरण हो रही शासन के आदेशानुसार, मिस्र से प्याज आई 200 क्विंटल प्याज जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आई सर्किट हाउस में, जिसमें सप्लाई ऑफिसर को और कोऑपरेटिव सोसाइटी को कर्मचारी निगम को और बकाया जो है हम सर्किट हाउस में 5-5 किलो 2-2 किलो लोगों को 64 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं। और वो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्याज है, हमारे जो लेने वाले वो रुचि से ले रहे हैं। दिल्ली जेएनयू में हुए छात्र छात्राओं और शिक्षक पर हुए हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर और फांसी का फंदा गले में डालकर अपना विरोध जताया। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता गोपाल अग्रवाल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में छात्रावासों के अंदर छात्र छात्राओं पर हमला किया गया और कई प्रोफेसर भी इस हमले में शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा, हमलावर कई घंटे तक कैंपस के अंदर हिंसा करते रहे। ऐसी एक घटना के बारे में है, उसके विरोध में है, जिस पर पूरा देश नहीं विदेशों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, और इस डेमोक्रेटिक स्टेट में भारतवर्ष में ये पहला मौका है जेएनयू के साथ के इतिहास में, जहां से हमेशा सच्चाई के लिए इस देश की डेमोक्रेसी को बूस्टअप करने के लिए आवाज उठती रही, आज बहुत ही बेशर्मी के साथ गर्ल्स हॉस्टल में जाकर के और दूसरे पूरे कैंपस में जाकर के जो हुड़दंग मचाया है और आतंक मचाया है, वो किसी सोची समझी ताकत का हाथ है और जेएनयू की आवाज को दबाने का काम है। जिले के निवासियों को विभिन्न प्रकार के संक्रमण और रोगों से बचाने के लिए सूरजकुंड स्थित बाबा मनोहर नाथ मंदिर में 31 कुंडली सूर्य नारायण महायज्ञ का आयोजन शुरू कर दिया गया। आपको बता दें, यज्ञ के दूसरे दिन ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए हवन में काली मिर्च के खास आहुति दी गई। जगत गुरु शंकराचार्य इंद्रप्रस्थ पीठाधीश्वर कृष्ण स्वरूपानंद जी महाराज और महामंडलेश्वर गुरु माँ नीलिमानंद जी महाराज के संदिग्ध में इस वर्ष भी सूर्य नारायण महायज्ञ का आयोजन धूमधाम के साथ किया जा रहा है। 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस महायज्ञ में श्रद्धालु भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए आहुति देंगे। किसानों की उन्नति और विभिन्न प्रकार के संचारी रोगों से मुक्ति के लिए यज्ञ में विशेष प्रकार की औषधियों और सामग्री की आहुति दी जाएगी। आयोजकों का दावा है कि इस यज्ञ से कई प्रकार की बीमारियां दूर होगी, जिसके चलते यज्ञ में ब्लड प्रेशर की बीमारियों को काबू करने के लिए 17-17 काली मिर्च की आहुति दी जा रही है। आयोजकों ने जिले के सभी लोगों से यज्ञ में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बुलंदशहर जिला अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर द्वारा सनाया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जन समस्याएं सुनी गई। आपको बता दें, जिलाधिकारी श्री रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा सनाया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी एवं एसएसपी महोदय द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया एवं कुछ शिकायतों का मौका पर निस्तारण भी किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सनाया एवं एसडीएम सनाया सहित तहसीलदार भी उपस्थित रहे, जिसमें फरियादियों ने अपनी समस्याओं से कराया अवगत। एसडीएम ने एक लेखपाल को किसान की समस्या को लेकर गुहार भी लगाई। तहसील दिवस में आई कुल 41 शिकायतें, जिसमें 3 का मौके पर ही समाधान किया गया। इस मौके पर एसएसपी देहात, एसडीएम तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य विभागों के कर्मचारी व प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
अम्बाला छावनी के व्यासम सदर बाजार चौराहे पर बन रही चार मंजिला बिल्डिंग मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में निदेशक नगम परिषद चंडीगढ़ ने एक पत्र जारी करके बिल्डिंग इंस्पेक्टर तजेंद्र पाल सिंह को बर्खास्त कर दिया। इस बात की जानकारी देते हुए नगम परिषद अम्बाला छावनी के कार्यकारी अधिकारी ईओ विनोद नेहरा ने बताया, अम्बाला कैंट के सदर बाजार में एक चार मंजिला अवैध बिल्डिंग बन रही थी जो एक तरफ झुकी हुई थी और उसके गिरने का खतरा भी मंडरा रहा था, जिसके बाद मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने जगह का मौका मुआयना भी किया और उसके बाद उन्होंने बिल्डिंग निरीक्षक तेजिंदर पाल सिंह को कार्रवाई बारे में भी कहा था, जिस पर उन्होंने जांच में पाया कि इस बिल्डिंग का नक्शा अढ़ाई मंजिल का पास किया गया था लेकिन बिल्डिंग मालिक ने मिलीभगत करके इसे चार मंजिला बिल्डिंग बना दिया था। इस मामले में भवन मालिक को नोटिस भी जारी कर दिया गया था लेकिन उस पर भी कार्रवाई में देरी की जा रही थी, जिस कारण लापरवाही बरतने के मामले में भवन निरीक्षक तजिंदर पाल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। इंस्पेक्टर तजिंदर को आज सस्पेंड ऊपर हमारे हेड ऑफिस से लेटर आया है, उनके सस्पेंशन का लेटर हमारे पास पहुंच चुका है। उसका कारण हमारे यहाँ पे एक बिल्डिंग है निकलसन रोड के ऊपर जो बनाई जा रही थी, वो ट्विस्ट हो गई है, गिरने की कगार पे वो आ गई थी। तो उसका जब रिकॉर्ड खंगाला गया तो उसमें पाया गया कि उसको ढाई मंजिल तक का नक्शा पास किया गया था, ठीक है। उसके बाद उस पर्सन ने भाई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी उसके ऊपर, उसके बारे में उसको नोटिस भी दिया गया था लेकिन नोटिस देने के बाद जो फर्दर कार्रवाई बनती है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर द्वारा नहीं की गई थी, जिससे वो लापरवाही का संदेह अंदेशा ये नजर आ रहा था, जिसके भी हाँ पे उनको सस्पेंशन नोटिस की। इस बुलेटिन में अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, पल पल की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।